सौ तीरथ का पुण्य मिलेगा, मिलेगा हर दुख से आराम। गौ माता की सेवा कर ले, समझ ले हो गए चारों धाम। आज गोवर्धन पूजा, तो गौ माता की महिमा गाते हुए, गौ माता की महिमा सुनते हुए, अनुभव करते हुए, एक एक आसन को एक अनुष्ठान की तरह करो। जीवन एक अनुष्ठान है। सौ तीरथ का पुण्य मिलेगा, सौ तीरथ का पुण्य मिलेगा, मिलेगा हर दुख से आराम। गौ माता की सेवा कर ले, समझ ले हो गए चारों धाम। गौ माता की सेवा कर ले, समझ ले हो गए चारों धाम। जिसने गौ की सेवा कर ली, जीवन वही निहाल है। गोपालन से ही तो कन्हैया कहलाए गोपाल है। अब आजकल नाम रखा है गोपाल और कुत्ते पाल रहे हैं। गोपाल के घर में घुसे कुत्तों से सावधान, जैसे आदमी रहते ना हो घर में। अरे गोपाल, कुत्ते मत पाल, गो गोपाल। अब गो गोपाल ने गधे पाल रखे हैं, गोपाल ने भैंसी पाल रखी है, तो इसका नाम तो भैंस पाल होना चाहिए, कुत्ता पाल होना चाहिए। अब कुत्ता पाल तो कोई नाम रखता नहीं, भैंस पाल। देखो, गो माता के साथ साथ थोड़े बहुत दूसरे तत्व चल जाएंगे। भेड़ बकरियां पाल लो, शेर पाल लो, किसी को ज्यादा ही पालने हो। अब आचार्य हाथी भी पाल रहे हैं, हाथी भी आने वाला है साथ ही, यहाँ पर आपको हाथी की भी सवारी कराएंगे, लेकिन गो को जरूर पालो। अब हम कहते हैं गोपाल, हमारे नाम होते हैं गोपाल, रामपाल, कृष्णपाल, शिवपाल। शिव ही जिसकी पालना करते हैं। बहुत इसके अर्थ भी फिर बड़े गहरे। मैंने कल बोला था ना, सारे नाम हमारे या तो भगवान के ऊपर हैं या भगवान के गुणों पर हैं, और कोई तत्व ही नहीं है हमारे यहाँ पर। एक ही मूल ब्रह्म तत्व है हमारे जीवन में, सनातन तत्व है, राम कृष्ण शिव तत्व है। जिसने गौ की सेवा कर ली, जीवन वही निहाल है। गोपालन से ही तो कन्हैया कहलाए गोपाल है। गोपालन से ही तो कन्हैया कहलाए गोपाल है। गौ माता से प्रेम तू कर ले, गौ माता से प्रेम तू कर ले, तेरे हो जाएंगे श्याम। गौ माता की सेवा कर ले, समझ ले हो गए चारों धाम। गौ माता की सेवा कर ले, समझ ले हो गए चारों धाम।